नमस्ते दोस्तों, आप सबको तीर्थंकर ब्लॉग्स में स्वागत है। और हर दिन की तरह अभी मैं उठ चुका हूँ, 7:30 बज रहा है, लेकिन आज थोड़ा लेट ही हूँ। तो अभी 8:30 बजे मुझे निकलना है, क्योंकि आदि और मेरा वाइफ जो है वो किसी के घर में गया हुआ है। तो आदि को वहाँ से स्कूल छोड़ना है, 2 दिन वहीं रहेंगे। और अभी थोड़ा छोटा छोटा काम है, इसीलिए मम्मी भी ये हम लोगों का घर है, क्योंकि आप लोगों से पूरा डिटेल्स में तो ये नहीं हुआ है, बात नहीं हुआ है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये मेरा घर है, ये ड्राइंग रूम है, और ये जो आप देख पा रहे हैं 2 रूम है, ये मम्मी पापा का, ये मेरा। ये आदि का रूम है, यहाँ पे मैं अपना वीडियोस बनाता हूँ, लैपटॉप देख एडिट करता हूँ जितना वीडियोस है। ये पूजा घर है, ये मम्मी पापा का रूम है, ये किचन है, इसमें वार्डरोब लगना अभी भी बाकी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ है यहाँ पे आए। नया घर है, और जब यहाँ पे आए थे, यहाँ पे काफ़ी मतलब पानी हो गया था। हम लोग जनवरी में यहाँ पे आए थे, और जून में इतना फ्लड हुआ था यहाँ पे, इस बार 30 साल बाद इतना पानी हुआ था। घर में इतना हाइट तक पानी था, विंडो से पानी अंदर में आया था। आप सोचिए क्या हालत हो सकता है। ये बरामदा है, और ये और एक बरामदा है, जहाँ पे ये देखिए बीर है, बीर, ये बीर है। ये दोनों यहीं रहते हैं, ऊपर फैन लगा हुआ है ताकि गर्मी ना लगे। सिट, इनका पानी नहीं है, वहां पे पानी देना पड़ेगा। नहीं देखिए, देने के साथ साथ ही पानी पी रहा है बीर। इन दोनों के साथ तो आप मिल ही चुके हैं दोस्तों। ये गुड्डू है, गुड्डू का ज़्यादा एनर्जी नहीं है, क्योंकि गुड्डू थोड़ा बुढ़ा हो चुका है, थोड़ा क्या, काफ़ी बुढ़ा हो चुका है, क्योंकि 15 साल तो होगा ही उसका। ये देखिए गुस्सा होता है ये उसके सामने कैमरा लेने से। बीर ठीक है, बीर बहुत देखिए, अरे सीट बीर, नो सीट, बिस्कुट खाओ जाओ। हम लोग घर में 5 आदमी रहते हैं, मैं, मेरा वाइफ अरुंधति, और मेरा मम्मी पापा और आदि। तो दोस्तों हर रोज इसी टाइम में हम लोग उठ जाते हैं, मतलब पहले ही उठते हैं, 6 बजे, 6:30 बजे उठ जाते हैं, और उसके बाद में मेरा वाइफ ऑफिस जाने के लिए रेडी होता है, क्योंकि उस 9 बजे के अंदर में ऑफिस पहुँचना होता है। आदि जो है उसको 9:30 के अंदर में स्कूल पहुंचाना होता है, क्योंकि इसका स्कूल के टाइम है 9:30, तो उससे पहले 5-10 मिनट पहले उसको वहाँ पे पहुंचाना पड़ता है। फिर मम्मी पापा घर में रहते हो, मैं अपना काम पे निकल जाता हूँ, फिर 12:30 बजे आदि को फिर घर में लाना पड़ता है। यही हम लोगों का मतलब डेली जो है रूटीन है, और ख़ास कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही है। आज पापा बाजार गया हुआ है, क्योंकि मैं पूरा भेज हूँ, मैं मांस मछली और अंडा ये सब नहीं खाता, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मैं ये सब छोड़ चुका हूँ, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण जी के शरण में हूँ और राधा जी के शरण में हूँ, इसीलिए मैं ये सब छोड़ दिया है। और पापा आज गए बाज़ार में, क्योंकि मछली जो है जब लाना होता है तो पापा ही लाते हैं, मैं नहीं लाता, मछली बाज़ार में मैं नहीं जाता, क्योंकि उसका स्मेल जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो ये हम लोगों का फैमिली है दोस्तों, जैसे जैसे आप लोगों से शेयर किया कि
क्योंकि आप लोग भी मेरे फैमिली हो और आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए दोस्तों, अभी पूर्णिमा अभी रोटी बनाएगी। तेल लिया हुआ है यहाँ पे। अभी आलू भाजा होगा। सुबह सुबह हम लोग रोटी खाते हैं दोस्तों, क्योंकि मम्मी पापा का डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, इसीलिए दूसरा कुछ नहीं खाते। उनके साथ साथ मैं भी खा लेता हूँ। अभी आलू भाजा है, आज गर्मा गर्म आलू भाजा के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा। पूर्णिमा हम लोग का कुक है, यही बनाती है सुबह 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 आ जाती है और यही बनाती है। तुम्हें होइले हमारे आगे दिलाइयो है। आदि को स्कूल देने जा रहा हूँ दोस्तों। स्कूल दूर नहीं है, 10 मिनट का, 5 मिनट का रास्ता है। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं हुआ है जैसे आपको बोला है, इसीलिए अभी ये जो जगह है ना पूरा मिट्टी से भर जाएगा। ये जगह वहाँ गैरेज होगा, ये पेड़ पौधा जो जितना है ऐसा भर जाएगा यहाँ से। चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं।